कई बार लोगों के साथ भलाई करने पर भी, अच्छाई करने पर भी लोग हमारे साथ गलत करते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं कि इंसान टूट के रह जाता है। लगता है कि कोई फायदा ही नहीं किसी की भलाई करके, किसी के साथ अच्छा चल के। आजकल इंसान को सबसे बड़ा दुख है भावनाओं का दुख, मन का दुख। हर इंसान मन ही मन में बहुत दुख झेल रहा है। हर इंसान मन ही मन बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। इंसान को धन की तकलीफ हो, इंसान झेल जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी गुजर जाती है। इंसान को शरीर की तकलीफ हो तो भी इंसान झेल जाता है, पर जिस इंसान को मन की तकलीफ हो उसका एक एक पल एक एक सदी के समान गुजरता है। वास्तविकता में ये दुख, ये हर्ट क्या होता है? ये दुख और हर्ट ये आपका बनाया हुआ है। किसी ने आपके साथ एक बार गलत व्यवहार किया, आपको एक बार गलत शब्द कहे, और आपने उसके एक बार किए गए गलत व्यवहार को, एक बार कहे गए गलत शब्दों को मन ही मन 100 बार दोहराया। उसने आपको एक बार गाली दी, आपने खुद को 100 बार गाली दी, तो बड़ा गुनाहगार दोनों में से कौन हुआ, वो या आप? लोग हमारे साथ थोड़ा सा करते हैं, पर हम अपने भीतर अपने माइंड में उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो वो एक बार किया हुआ अपमान भी आपको 1000 बार के समान लगता है। आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आपके भीतर हर्ट सिर्फ और सिर्फ आप ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अंदर से खुद को मजबूत और पॉजिटिव बना ले तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली कि अब आप मुझे आज्ञा दे, जो आपने मुझे ज्ञान दिया है वो मैं लोगों में जाके बांटूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे पता है तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, पर फिर भी मैं तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उन प्रश्नों का उत्तर दे, फिर तू जहां चाहे वहां जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, तू लोगों में ज्ञान का प्रचार करने जा रहा है, लोगों को सही राह बताने जा रहा है, अगर लोग तेरी बात न मानकर तेरे साथ गलत व्यवहार करें तो तेरे मन में क्या होगा? तो उस शिष्य ने कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि ये लोग सिर्फ मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, कम से कम मेरे साथ गाली गलौच नहीं कर रहे। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अगर वो गाली गलौच ही करे तो? तो उस शिष्य ने कहा कि मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गाली गलौच से बात खत्म कर दी, मुझे मारा नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अगर वो तुझे मारे ही तो फिर क्या करेगा? फिर उस शिष्य ने कहा, अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं फिर भी उन्हें धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे थोड़ा मार के छोड़ दिया, मुझे जान से नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने कहा, बस एक आखिरी प्रश्न, अगर सोच वो तुझे जान से ही मार दे तो? तो उस शिष्य ने कहा कि मैं फिर भी उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे जीवन से मुक्त कर दिया कि जिस जीवन से मुझसे कोई भूल चूक हो सकती थी, कोई गलती हो सकती थी, उन्होंने ऐसे जीवन से मुझे मुक्त कर दिया, मैं उन्हें फिर भी धन्यवाद दूंगा। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि अब तू चाहे जहां भी चला जा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुझे दुखी कर सके, पूरी दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुझे चोट पहुंचा सके। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं हो सकती, लोग हमेशा हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, पर हम उन्हें कैसे लेते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। लोग तो अपमान करेंगे ही, लोग तो आपके साथ गलत चलेंगे ही, पर ये आप पे निर्भर करता है कि आप उनके व्यवहार को कैसे लेते हैं। अगर लोगों का व्यवहार, लोगों की बातें आपके मन को दुखी सुखी करते हैं तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आपको लोगों की बातों ने, लोगों के बिहेवियर ने आपके मन पे असर डालना छोड़ दिया, फिर पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपके दिल को चोट पहुंचा सके।